यारों, मेरी और स्वाद अनुसार की पूरी टीम की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस। अच्छा, क्रिसमस और बेकिंग, इन दोनों को जुदा करना तो भाई इम्पॉसिबल है। और बेकिंग के लिए हर कोई रेसिपी ढूंढता है कि जो आसानी से घर पे बन जाए, कम ताम झाम हो और कोई भी बना सके और सब इन्जॉय कर सकें। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एगलेस चोकोलावा केक की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज का ये क्रिसमस स्पेशल बेकिंग एपिसोड, जिसमें हम बनाएंगे एगलेस चोकोलावा केक। तो जी, एगलेस चोकोलावा केक बनाने के लिए स्टेप नंबर वन, आपको चाहिए इस तरीके से रामिकिन्स या फिर बेकिंग के मोल्ड, आजकल सिलिकॉन के मोल्ड आते हैं, या कुछ भी नहीं हो तो आपके अंदर मेटल की कटोरियां जो होती है ना घर में, स्टील की या एल्यूमिनियम की, वो भी चलेंगी। बट बहाना नहीं चलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर है, अच्छे से कोट करेंगे रामिकिन्स को, साइड्स पे भी और नीचे भी। बटर से ग्रीस करने के बाद इनको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद रामिकिन्स अच्छे से चिल हो चुके हैं, बटर जो है वो सेट हो गया है। अच्छा, ये सेट क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें इसको स्प्रिंकल करना है कोको पाउडर से, और अगर ये सेट नहीं होगा, पिघले हुए फॉर्म में होगा, तो कोको पाउडर अच्छे से कोट नहीं होगा और कई जगह तो लम्स हो जाएंगे और कई जगह खाली रह जाएगा, जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा कोको पाउडर लेंगे और चारों तरफ फैला देंगे और साइड्स पे भी। एक्सेस हम झाड़ देंगे पेट के अंदर ही, और बिल्कुल इस तरीके से नीटली चारों तरफ और साइड्स पे, बॉटम पे कोको पाउडर जो है वो कोट होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं सारे रामिकिन्स के अंदर पहले मैं कोट कर लेता हूँ। इसको फिर से मैं रख देता हूँ फ्रिज में, और फिर आते हैं बैटर पर। तो केक का बैटर बनाने के लिए एक ले लेंगे हम बड़ा बोल, और मैदा 1/2 कप, कोको पाउडर 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, और साथ ही में नमक 1 चुटकी। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। और अब इसके अंदर जाएगी कैस्टर शुगर, या फिर आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये है 1/2 कप। इन सब चीज़ों को हैंड विस्क से हम मिक्स कर लेंगे। तो जी, ये हो गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे तैयार। अब इसके अंदर जाएंगे वेट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले है तेल। तो ये 1/4 कप गया तेल, वैनिला एसेंस, और ये है इंस्टेंट कॉफ़ी। तो आप 1 टीस्पून लेना कॉफ़ी पाउडर, जो नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर होता है, उसको आप 1 टेबलस्पून गरम गरम पानी के अंदर डुबो के रखना 5 मिनट के लिए। तो ये कॉफ़ी जो है वो ब्रू हो जाएगी, फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा। ये गई कॉफ़ी भी इसके अंदर, और ये है मेरे पास 1 कप मिल्क, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, ना ठंडा ना गर्म, और धीरे धीरे करके हम इसे मिक्स करेंगे। और मज़े की बात ये है कि केक बनाने के लिए आपको कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, तो सादा वाला जो हैंड विस्क है आप उससे भी बना सकते हो, और इसके अंदर एग भी नहीं है तो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इन्हें में ये सबके लिए ही है, तो सबको बनाना ही पड़ेगा। और ये केक का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है ना, बहुत आसान। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पतला है, पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। रामिकिन्स को हमें पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है, 3/4 ही फिल करेंगे, थोड़ी सी कसर हम रख देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे रखी है चॉकलेट, और उसको छोटे छोटे पीसीज में काटना, बीच में इसके डाल देना। चॉकलेट डालने के बाद जो थोड़ा थोड़ा सा जो बैटर है ना, वो चॉकलेट को हम कवर कर देंगे इससे। तो इसको बेक करेंगे अब फॉर 14 to 15 मिनट्स एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चोकोलावा केक को बेक किया है मैंने 14 मिनट्स के लिए। इनको केयरफुली आप उठाना और नाइफ रन करेंगे अराउंड द कॉर्नर्स। फिर ये एक प्लेट है जिसको मैंने
थोड़ा सा कोको पाउडर से डस्ट किया हुआ है। तो अब एक काम करेंगे, इसको इसके ऊपर हमें मोल्ड आउट करना है। तो किस तरीके से करना है वो आप ध्यान से देखो। प्लेट आप रखो बिल्कुल, और इन्वर्ट इन्वर्ट किया, और केयरफुली क्योंकि अभी भी गर्म है। एंड दिस इज डीमोल्डेड। और लावा का असली मज़ा कब है? जब ये गर्म गर्म होता है, क्योंकि जैसे ही सेट होता रहेगा चॉकलेट जो है वो आपस में वो फिर से जुड़ती रहेगी और वो सॉलिड हो जाएगी। बट घबराने की बात नहीं है, आप चाहो तो उसको माइक्रोवेव करना है एक मिनट के लिए, अंदर की चॉकलेट हल्की सी मेल्ट हो जाएगी और फिर इसको गर्म गर्म आप सर्व कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है आइसिंग शुगर या फिर पिसी हुई चीनी, उससे हम हल्का सा कर देंगे इसको डस्ट। अब इसको हम काट के चेक करेंगे। और अंदर से ये मेल्टेड चॉकलेट जो है वो आपको मुंह में पानी लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये जो चोको लावा केक है, एगलेस है, तो ये घर पे ज़रूर ट्राई करो। ये क्रिसमस आसान है, इसे बनाना कोई भी बना सकता है। रेसिपी आप ध्यान से फॉलो करना, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बना के मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये चोको लावा केक की रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की मज़ेदार डिज़र्ट्स और भी रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Till then, take care, goodbye, and Merry Christmas.